आप बच्चों देखिए, कल जितने लिखाए थे उसके आगे देखिएगा। अब बात ये आई है, हमने अभी तक लिखाए हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस और क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण के बाद अब आगे एक क्वेश्चन बनता है, वो बच्चों लिख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन का नाम लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद इसे समझाते हैं। जैसे हम कहें, क्वेश्चन ये है, त्रिकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की आवश्यक शर्तें क्या हैं? ठीक है, या आवश्यक शर्तें लिखिए। ठीक है, अब देखिए प्रश्न ये है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। तो बच्चों पहली बात तो ये होती है, जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, ठीक है, अब चूंकि इसमें लिखा है प्रकाश के परावर्तन की आवश्यक शर्तें, तो परावर्तन में क्या होता है? परावर्तन का मतलब जो जैसे ही किरण टकरानी, टकराने के बाद वो वापस लौट जाए तो उसमें परावर्तन होता है। ठीक है, तो पहली बात ये है कि इसमें सघन माध्यम होना चाहिए। कौन माध्यम होना चाहिए? सघन। तो सघन माध्यम होना चाहिए। और दूसरी शर्त ये होती है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। जो आपतन कोण होता है वो क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, ये शर्त होती है। और दूसरी बात, माध्यम जो है वो सघन माध्यम होना चाहिए। सघन माध्यम होगा तभी किरणें परावर्तित होंगी, विरल में नहीं होंगी। ठीक है, पूर्ण परावर्तित नहीं होंगी। ठीक है, तो बच्चों लिखिएगा प्रश्न ये, सही बच्चे नोट कर लें। ठीक है, उसके बाद आंसर में लिखिए, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्न दो शर्तें आवश्यक हैं। ठीक है, एक नंबर शर्त बच्चों लिखिएगा, एक नंबर शर्त क्या है? देखिए पहली बात ये है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक है, प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, पहली शर्त ये है। ठीक है, और दूसरी शर्त ये है, प्रकाश जो है आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। दूसरी शर्त लिख लीजिए, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। बस यही दो शर्तें हैं। ठीक है, इन दो शर्तों को नोट कर लीजिए। दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, हीरा क्यों चमकता है? क्वेश्चन ए है अगला, हीरा क्यों चमकता है? ठीक है, अब हीरा क्यों चमकता है इसका परी बताने हैं।
देखिए किस तरह से इसे करते हैं। पहली बात तो ये है, हीरे से वायु में आने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण बहुत कम होता है। हीरे में क्रांतिक कोण जो होता है बहुत कम होता है, अतः बाहर का प्रकाश किसी कटे हुए हीरे में प्रवेश करता है तो वह उसके भीतर विभिन्न तलों पर बार बार पूर्ण परावर्तित होता है। कहने का मतलब यह, हीरा इसलिए चमकता हुआ दिखाई देता है क्योंकि इसका क्रांतिक कोण बहुत कम होता है और इसकी अधिक चमक होने के कारण, ठीक है, ये परावर्तन जो है सबसे ज़्यादा करता है क्योंकि ये किरणों को नहीं सोखता है। ज़्यादा परावर्तन करेगा तो वस्त्र में ज़्यादा चमकीली दिखाई देगी, समझे कि नहीं। जैसे हीरा है, हीरे को हमने देखा, देखने पर तो क्या होता है कि हीरे ने पूर्ण रूप से किरणों को परावर्तित कर दिया, यानी 99% किरणों को परावर्तित कर दिया, इसीलिए हीरा हमें ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, हाँ लिखिएगा ये क्वेश्चन, ये सभी कॉपी निकालिए और लिखिए। हीरे से वायु में आने वाली किरण के लिए क्रांतिक कोण बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, क्रांतिक कोण बहुत कम होता है, अतः जब बाहर का प्रकाश किसी कटे हुए हीरे में प्रवेश करता है, तो वह उसके भीतर विभिन्न तलों पर बार बार पूर्ण परावर्तित होता रहता है। ठीक है, पूर्ण परावर्तित होता रहता है। ठीक, ये इसकी ये क्वेश्चन है, ये पूरा कर लोगे। ठीक है, इसलिए हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन। अब देखिए, अब लेंस से संबंधित कई स्थितियां हैं, वे तुमको याद रखनी है। वो किस तरह से याद रखते हैं, जिस प्रकार से दर्पण से संबंधित स्थितियां थीं, उसी प्रकार से लेंस से भी संबंधित कुछ स्थितियां हैं। उन स्थितियों को विशेष कर देख लें किस तरह से हम याद रखते हैं। ठीक है, अब प्रश्न पहला आता है, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस दूरी के दूनी दूरी पर रखती है, देखिए किस तरह से लेंस अगर कोई है तो लेंस में
दो फोकस होंगे, कितने फोकस होंगे, दो। दो। पहली बात तो ये है, कोई भी लेंस बना है उस लेंस में दो फोकस होंगे, क्योंकि उसमें दो पृष्ठ होते हैं। कितने पृष्ठ होते हैं, दो। तो जितने पृष्ठ होंगे उतने ही उसके फोकस होंगे, ठीक है। इस लेंस के जस्ट बीच से जो लाइन गुजरती है उसे हम अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। और जिसके बीचों बीच बिंदु जो होता है उसे हम प्रकाशिक केंद्र ओ कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेंस के जस्ट बीचों बीच जो बिंदु होता है उसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, फोकस दो होंगे, इस पृष्ठ के द्वारा ये फोकस होगा, ठीक है, और इस पृष्ठ के द्वारा इधर फोकस होगा, ठीक है। इस फोकस को हम मान लेते हैं एफ वन और इस फोकस को मान लेते हैं F2। कोई दिक्कत, हमने बताए हैं कि वस्तु फोकस की दुगनी दूरी पर, अर्थात इतनी और इतनी और आगे वो दूरी पर कोई वस्तु रखी है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति की विवेचना कीजिए। प्रश्न इस तरह से लिखते हैं, देखिए प्रश्न, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस की दूनी दूरी पर रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति की विवेचना कीजिए, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति की विवेचना कीजिए, ठीक है। प्रश्न ये है, तो किस हिसाब से करते हैं, देखिए, तो इसमें क्या करते हैं, किस तरह से प्रतिबिंब और कैसा बनता है, देखिए कहाँ बनाते हैं। वस्तु मान लीजिए फोकस से दूनी दूरी पर यहाँ रखी है, जिसका नाम है AB। तो किस तरह से प्रतिबिंब बनाते हैं, पहले देखिए, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई लेंस पर आपतित होती है, परावर्तित नहीं हुई है, क्योंकि लेंस है, लेंस में पारगमित हुई है, ठीक है। और पारगमित होकर ये फोकस से गुजर जाती है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी किरण जो एकदम सीधी प्रकाशित केंद्र से होती हुई इस तरह से प्रकाशित केंद्र से होती हुई सीधी निकल जाती है, ठीक है। और ये दोनों आपस में एक दूसरे यहाँ पर मिलती हैं, तो प्रतिबिंब ए वन बी वन बन के तैयार होता है। ये प्रतिबिंब जो होता है वस्तु के बराबर होगा और इसे हम वास्तविक कहेंगे, ठीक है। दर्पण में क्या था, दर्पण से पहले जो प्रतिबिंब होगा उसे हम वास्तविक कहते हैं, और लेंस में लेंस के पीछे प्रतिबिंब होगा उसे हम वास्तविक कहेंगे। और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, जित में याद रखने हैं, ठीक है। अब नोट करिए, इस फिगर को नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद फिर लिखाएं डेफिनेशन। किस तरह से, देखिए डेफिनेशन में, जिस प्रकार से तुमने चित्र बनाए हैं उसी प्रकार से परिभाषा भी लिखना है। जैसे जैसे चित्र की हमने किरणें निकाली उसी प्रकार से तुम्हें हिंदी में अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। नोट कर लीजिए, हाँ आप देखिएगा बच्चों, इस तरह से इसकी डेफिनेशन किस हिसाब से लिखते हैं, जरा इसे देखिए और कॉपी निकाल लीजिए और लिखिए, एक एक शब्द करके बोलते हैं, देखो किस तरह से करते हैं। उत्तल, लिखिए आंसर, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, दुगनी दूरी पर
दूरी पर रखी हो तो एक किरण मुख अक्ष के समांतर आती हुई लेंस पर आपतित तो होती है और पारगमित होकर फोकस से निकल जाती है। इसी प्रकार दूसरी किरण प्रकाशक केंद्र से होती हुई सीधी निकल जाती है, जिससे वस्तु एवी का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक A1 B1 वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, इस तरह से परिभाषा इसकी पूरी हुई। अब इसके बाद क्या करते हैं, अब देखिए अगला क्वेश्चन है। उत्तल लेंस में जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है, प्रतिबिंब की स्थिति की विवेचना कीजिए। अब देखिए किस तरह से चित्र बनाते हैं। एक बनाए हम उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस ये है और एक फोकस इधर है F1 और एक फोकस है F2। ठीक है, वस्तु कहाँ रखी है, प्रकाशित केंद्र वो मान लिए इस और इसके बीच में वस्तु जे रखी है। ठीक है, वस्तु ए भी रखी है तो प्रतिबिंब की स्थिति की विवेचना करने किस तरह से चित्र बनता है। देखिए, एक किरण मुख अक्ष के समांतर आती हुई लेंस पर आपतित होती है और परावर्तित होकर फोकस से वो अपवर्तित होकर अर्थात पारगमित होकर फोकस से गुजर जाती है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी किरण प्रकाशित केंद्र से होती सीधी निकल जाती है। अब देखते हैं ये कि दोनों किरणें आपस में बिखरने लगी। ठीक है, तो बिखरने लगी तो पीछे तो मिली ही नहीं, तो हम कल्पना कर लेते हैं, थोड़ा ऐसे आगे बढ़ाएं और समझिए इस तरह से। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब बना इसका नाम है A1 B1। ठीक है, ये इसका नाम है, लिख लीजिए और थोड़ा चित्र बना लीजिए, उसके बाद लिखाएं से आगे।
बनाइए चित्र। हाँ देखिए, अब इसकी परिभाषा किस तरह से नोट करते हैं, पहले से समझ लेते हैं। देखिए किस तरह से, उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच रखी हो तो क्या करते हैं, एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई लेंस पर आपतित होती है और पारगमित होकर फोकस से निकल जाती है, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी किरण प्रकाशित केंद्र से होती हुई सीधी निकल जाती है। अब देखिए ये दोनों किरणें आपस में बिखरने लगती है तो आगे प्रतिबिंब नहीं बनेगा, तो हम क्या करते हैं, तो इन किरणों को पीछे डॉटेड लाइन करके बढ़ा देते हैं, तो प्रतिबिंब पीछे की ओर बनता है, अर्थात वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए वन बी वन वस्तु से बड़ा आभासी, क्योंकि वस्तु की ओर है, ठीक है। ये लेंस और दर्पण दोनों अपोजिट संबंध है, अगर वस्तु की ओर प्रतिबिंब बनता है लेंस में तो उसे हम बोलेंगे आभासी, और लेंस के पीछे अगर बनता है तो उसे कहेंगे हम वास्तविक लेंस के केस में, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख लेते हैं, कॉपी निकालिएगा नोट करिए। उत्तल लेंस में जब वस्तु प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति की प्रतिबिंब की स्थिति किस हिसाब से होगी, ठीक है। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर, क्या लिखा है, शुरुआत से बोलिए। उत्तल लेंस में जब वस्तु प्रकाशित केंद्र और फोकस के बीच रखी हो तो बाकी के आगे की है वो काट दीजिए, उसके बाद लिखिए, तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई लेंस पर आपतित होती है और पारगमित होकर और पारगमित होकर होकर फोकस से निकल जाती है, फोकस से निकल जाती है। इसी प्रकार दूसरी किरण प्रकाशित केंद्र से होती हुई सीधी निकल जाती है। इस प्रकार वस्तु AB का प्रतिबिंब सीधा वस्तु से बड़ा आवासी
आवासी A1 B1 बनता है, A1 B1 बनता है, लिख लिया। ठीक है, आज इतना ही रखें, अब कल अगला बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस।